मेरे डैडी है ना, मेरी शादी को लेकर के बहुत ज्यादा ही परेशान है। अरे वो परेशान काय को है? उनके सामने ये 5 फुट 6 इंच का लंबा तड़ंगा जैने हैंडसम नौजवान फिर रहा है, हम वो परेशान फिर रहे। उन्होंने तुमको देखा थोड़ी है, और तुमको पता है मेरे डैडी ने 20 लड़के देखे थे, 20 के 20ों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अरे तो 20 को रिजेक्ट करे ना, अब वो 20 में कैसे कैसे होंगे? कोई नकता होगा, कोई चपटा होगा, कोई काला होगा, कोई सावला होगा, कोई भेदराइली सूरत का होगा। लेकिन उनके सामने जब जैने जाएंगे ना 21वां, तो यकीन मान उस दिन तेरे बाबा है ना फुल एंड फाइनल का ठप्पा मार देंगे, और जज के साथ सजा सुनाने के बाद कलम टूट डाल दम, कलम टूट डालेंगे। अच्छा तो फिर कब मिल रहे हो मेरे डैडी से? मिलूंगा तेरे डैडी से, पहले मैं वो वक्की अगवा है ना उससे मिलता, उसको उच्ची नीची देता, उसके बाद तेरे डैडी से मिलूंगा ना। देखो खान साहब, ये गांव का इकलौता अगुआ महेश है, और मैं तुम्हारी लड़की का ना रिश्ता लगाऊंगा। अरे वो सब मालूम है मेरे को, लेकिन तू जो 21वां लड़का बताने जा रहा, कहीं पहले के 20 पोरों जैसा तो नहीं है वो? अरे नहीं हो खान साहब, अरे ये लड़का मैं जो तुमको बताने जा रहा ना, ये लड़का इतना खूबसूरत और हैंडसम है ना, तुम देख लेना, वो देखो वो आ गए। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा हूँ, ये है क्या रे पुरिया? जरा चश्मा उतार, तेरे आख्या बता। अब जरा तेरा मुंह खोल, तेरे दांत देखना चाहता मैं कितने हैं। 32 पूरे हैं ना? अरे मुंह आज तेरा। बात पूछूं क्या मामू? बोल। बुरा नहीं मानेंगे ना? ये नहीं मानूंगा मैं। लेकिन बात बताओ, तुम तुम्हारी बेटी के वास्ते जवाई ढूंढ रहे क्या? कुर्बानी के वास्ते बकरा ढूंढ रहे? दाद बता, आख्या बता। देख रे भाई, मेरी पूरी की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तू ये बता के तू करता क्या है? आधे मैं ट्रक ड्राइवर है मालूम है क्या? और तुमको बता देगा मामू, मैं पूरे खानदेश में है ना मेरे से अच्छा ट्रक ड्राइवर कोई नहीं है मालूम है क्या? रात को 9 बजे जैसी सेल मारा, चम्मच पे पाव रखा, बम्बई। सबसे खास बात बता रहा, मेरी पगार अलग से है, और केबिन के अंदर और ऊपर की कमाई अलग से। अरे खान साहब, तुम्हारी पूरी के वास्ते ना ये पूरे एकदम फिट है फिट। अरे ये रिश्ता तो मुझे और भी रिस्की दिख रहा। अरे ट्रक ड्राइवर है ये ट्रक ड्राइवर, और हर ट्रक के पीछे लिखा होता है कि ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है, अगर मौत से बच गया तो सेंट्रल जेल है। अरे ये मरा भी तो पूरी की पजीता, और अगर जेल गया तो भी पूरी की पजीता। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अच्छा रिश्ता होगा तो बताना, समझे? ओ नवा मामू, एक बात समझ लो है, तुमको बहुत आई ग्लास लगा के लोगों को देखने का शौक है ना, एक दिन आएगा कि यही आई ग्लास लेके ना मेरे को ढूंढते फिरेंगे तुम मालूम है क्या? और ये जैने है ना ये बोल के जा रहा, एक दिन आएगा ऐसा कि तुम खुद मेरे को तुम्हारे घर का पता देंगे, काट देंगे और मुझे घर को बुलाएंगे, ये बात ध्यान रखना। बोले ड्रावर की जिंदगी भी अजब खेल है, मौत से बच गया तो सेंट्रल जेल है। अमीर लोग है तुम मालूम, अब मैं मेरी ट्रक के पीछे लिखूंगा, अमीरों की जिंदगी ब्रेड और केक से, ड्रावर की जिंदगी क्लच और ब्रेक से, मालूम है क्या? हाँ ये अगवा बाद में मिला। क्यों मुंह लटका के बैठे हो? जाते वक्त तो लंबी लंबी हाक रहे थे कि तेरे डैडी जब मुझे देखेंगे तो उनकी तलाश पूरी हो जाएगी। अरे हाँ मैंने बोला था, मगर तेरा बाप है ना लड़के देखने नहीं बैठे ले मालूम है, और वो भी जैसा सुनार लोग बैठते ना देखने के वास्ते बड़ी काश लगा के, वैसा कीड़े काटने बैठे ले हो पौधों के अंदर मालूम है क्या? तो फिर अब तुम क्या करोगे, हार मान जाओगे? ऐसा कैसा हार मानूंगा मैं, हा? मेरा भी नाम जैने है, तेरे बाप को बड़ा शौक है ना लोगों में कीड़े काटने का, हा? अब ये तेरे बाप की कीड़े काटने की बीमारी का तोड़ है ना, वो
मैं कैसा निकालता तुम्हें देखना। यार क्या आइटम जा रहा है? बुरी गत के मेरे को देख के सीटी बजा रहा तू? अरे इतना सा है ना बुरी गत के, अगर आप तूने कभी मेरे को देख के सीटी बजाया ना बेटा, तो कुछ चप्पल के नीचे मसल दूंगी, समझ रहा क्या? गन्ने गन्ने रह गए बाड़े हो रहे, चल के जनाजा नहीं तो मारूंगी तेरे को। हाँ इसका जनाजा जाए मेरे को छेड़ रहा। वाह क्या माल है। इधर है। बुरी गत के मैं माल नहीं है, मुसीबत का जाल है जनाजे भिगेल नान के सूरत के, मेरे को छेड़ेगा तो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मुझे सुर सुरी चलो चाची की ना मजा लेते हैं अपुन। ततैया ततैया हो, ततैया ततैया हो, ततैया ततैया हो। चाची चलती का खंडाला चल बुरी गत्ते, खांड के मुँह के मेरे को खंडाला लेके जाएगा तू? क्या रे नाच रहा बुरी गत्ते, ऐसा लग रहा है गिरगिटार ने दारू पी लिया, तेरा सत्यानाश हो जाए वो कैसा दिखता? सुतली बम बुझेला। चल बुरी गत्ते निकल। अरे बोला जनाजे तेरी माँ को भी निपट लूंगी, तेरी पूरी खानदान को निपट लूंगी। माँ की धमकी दे रहा। अरे माँ मैं मेरा जा रहा था ना, चाची ने ना मेरे को अटक से चीड़ी उड़े और बहुत डल्ले डल्ले से मेरे को मारी उड़े। अच्छा मेरे बेटे अब मैं उसको ना उस चाची को छोड़ दूंगी, आज तो मैं उसकी खबर लेकर रहा हूँ। चल बराबर लेती हूँ उसकी खबर, तू चल। हाँ मार उसको जल्दी। चल तुमको जरा शर्म नहीं आती? उम्र का तो लिहाज करो, क्या बच्चों को छेड़ रही हो? छोटे छोटे पोरा को छेड़ने में शर्म नहीं आती? तोबा तोबा तोबा, मैं छेड़ रही बच्चों को? अवो तू जरा ये तेरे डामर के डब्बे को तू सीखा, छोटे बड़े की तमीज सीखा जरा सा, ये छेड़ रहा मेरे को? अवो तेरे को देखने होना ना दिन भर के लाली पाउडर मुँह को पोता रहा मार के रहती, जरा बच्चों को अदब तमीज सिखाना ना। अरे चाची इतना मत बोलो, पहले ये तो बताओ उसने किया क्या? क्या करा? तोबा तोबा तोबा, ये जनाजा मेरे सामने आके ताथैया ताथैया नाच रहा बुरी गत का मेरे सामने, गिरगिटान की सूरत का, हम क्या कह रहा है? आती क्या खंडाला, ये खांड के मुँह का मेरे को खंडाला लेके जाएगा, ये सिखाई तूने तेरे बच्चों को? क्या बच्चे हैं तेरे को जरा भी लाज शर्म नहीं है? हाँ वो देख चाची क्या बोल रही है, चल घर पे आज तेरा मेरा कबाड़ा करके लेके जा, भाग के रख जनाजे को, ऐसा बच्चा फेंक देते ना पूरे पाली। सुनो जी मैं क्या कह रही, देखो मेरा ना एक ना झुमका गिर गया, कब से ढूंढ रही मिल नहीं रहा मेरे को, तुमको तो नहीं मिला? अरे काश वो झुमका मुझे मिल गया होता, और मुझे तो लगता है कि तुम्हारा झुमका बरेली के बाजार में गिरा होगा। बड़े शरारती है जी तुम। अरे मुझे माफ करना, तुम एक काम करो कल मेरे घर पर आ जाओ, मैं ऐसा ही झुमका तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। ये है मेरा कार्ड, इस पे मेरा नाम और पूरा पता लिखा है, कल शाम में जरूर आ जाना। हाँ, जरूर आ जाऊंगी मैं। नवाब ऐसा लगता है कि तेरी लव स्टोरी चालू होने वाली है। बस अब तो मेरे को खाली शाम का इंतजार है ना। हंस गया देखो ये बेचारा, आज तो ये बुड्ढे को नक्ता करता है मैं। हाँ है क्या कोई घर में? घर में कोई है क्या? हाँ बोलो क्या काम है? उड़ो लाल भड़ा खेला। मैं क्या कह रही, नवाब साहब को बोलना बोलना शहजादी झुमका लेने के वास्ते आए ले। जा बेटा। आ बोलता ये रुको। नवाब चिच्चा कोई बुड्ढी शहजादी आए ले अपने झुमका लेने। अरे शहजादी आई है क्या? तो बल्टी फूल जा उसे जल्दी से अंदर लेकर आ जा। कैसे है तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है ये बता।
अब मैं क्या बताऊँ, मैंने तो झुमके के इंतजार में तो झुमका तो खाली बहाना था, बस तुमसे मिलने आना था। अरे एक बात बता शहजादे। हाँ। अरे मैं कैसा दिखता हूँ रे? मैंने अगर तुमको बता दी तो तुम बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे मैं तेरी बात का क्यों बुरा मानने लगा? मेरे को तुम है ना मुँह से मनोज तिवारी दिखते, आवाज से अमरेश पुरी। अरे लगता है मेरी तरह तुम्हें भी मजाक करने की आदत है। मैं क्या बोलूं नवाब साहब, इनका झुमका दो और जल्दी से भिजाओ, तो काम बढ़ जाएगा। जरा ये यहाँ से निकल, बीच में डिस्टर्ब कर रहा है बल्टी फूल। एक बात पूछूं, इतने बड़े बंगले में कौन कौन रहता? ये बंगले में मैं रहता हूँ और मेरी बेटी तारा। और तुम्हारी औरत? अरे मेरी बीवी तो कप का छोड़ कर चले गई, अब मैं अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। तुम रो मत ना, मेरा भी दिल थोड़ा थोड़ा हो रहा, अब तुम्हें ना फिकर मत करो, तुम्हारी जिंदगी में शहजादी आ गई ना। शहजादी तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? नहीं कभी नहीं जाऊंगी, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, ये वादा है मेरा। मगर मैं क्या कह रही, हमारे बीच में है ना एक छोटी सी रुकावट है। क्या? वो जो तुम्हारी बेटी तारा है ना, मैं तो कह रही अच्छा पूरा देख के उसके हाथ पीले कर दो, बस फिर तुम रहेंगे और मैं रहूंगी, तुम रहेंगे मैं रहूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तारा के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, बगल में बच्चा सारे गांव में ढिंढोरा। मेरी एक है ना रोशन आपा, उसका बेटा है जैन्या, बड़ा सीधा है बेचारा, यकीन मानो नेक बच्चा है एकदम। मैं तो कह रही तारा की शादी उससे करा दो। ऐसा क्या? अरे ये तो घर की बात है, रुको मैं तारा को बुलाता हूँ, फिर जैने की शादी तारा से कर देंगे। तारा बेटी, ए तारा बेटी। जी डैडी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटी इनसे मिलो, ये है तुम्हारी शहजादी चाची। नमस्ते चाची। हाँ जीती रहे। हाँ तुम्हारी तारा तो बड़ी खूबसूरत है ना, मेरी नजर ना लगे इसको, है ना? हाँ। अरे तारा बेटी, ये शहजादी चाची जैने के दूर के रिश्तेदार है और हमने तेरा रिश्ता जैने के साथ तय कर दिया है। सच्ची मुझे ना जैने बहुत ही पसंद है। अच्छा डैडी, मैं शहजादी चाची को अपने कमरे में लेके जाऊँ? अरे बेटा शौक से लेकर जाओ, कमरे वमरे बताओ, जाओ। बहुत प्यारी बेटी है बाकी तुम्हारी। क्या ले चाची के मुँह, तूने मेरे डैडी को धोखा दिया? धोखा? देख तारा मैं को बोल रहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और मैं तारा को हासिल करने के वास्ते ना कुछ भी कर सकता, मालूम है ना तेको? मतलब तूने मेरे डैडी को उल्लू बनाया? उल्लू नहीं बनाया, मेरा डैडी पहले से उल्लू था, मैंने खाली उल्लू पना साबित करा। और यकीन मान ये जो शहजादी चाची है ना, इस पे तेरा बाप है ना लट्टू हो गए, मालूम है क्या? हाँ और एक बात बोलू क्या, तेरा बाप है ना एक नंबर का ठरकी मुद्दा है, मालूम है क्या? कई दफे तो मेरे को है ना मेरी मेरी शर्म आने लग गई। मुझे एक बात बताओ। हाँ। शादी के बाद अगर डैडी शहजादी चाची को ढूंढेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? अबे बस इतनी सी बात। अरे तू टेंशन मत ले मेरी जान, जिस दिन पूछेंगे ना शहजादी चाची कहाँ है, मैं बोल दूंगा चाची ने दूल्हा कर ली, चले गई ससुराल में, इतनी सी बात। तुम भी ना। हाँ। अच्छा पहले तो तुम अपना ये पूरा हुलिया चेंज करो, बहुत गंदे लग रहे हो। ये बात तो सही है मेरी जान, मैं ये कपड़े पहन के जब निकल रहा ना रोड पे, यकीन मान इंसान तो इंसान, जानवर भी मेरे को सोच के भोग रहे, मालूम है क्या? कुत्ते, एक कुत्ता मेरे को देख देख के भोग रहा, कर रहा भाग गया है। और एक ने तो एक का दिमाग खराब हो गया कुत्ते का मेरे को देख के, मतलब वो भी कह रहा निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे ये संतरा किसका है? ओह नो, यहाँ कैसे आ गया? तारा बेटी मैं चेंज करके आ जाऊँ? हाँ है ना, जल्दी। हाँ
अरे तारा बेटी, ये संतरा किसका है रे? ओ, मेरा है, स्लिप हो गया। तेरा है? हाँ। अरे तू है कौन? मैं कौन? मैं है ट्रक ड्राइवर जैनिया। क्या? हाय गाइस, सो हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है खानदेश की चाची 420। सो गाइस, हमारा चैनल है आरएस एंटरटेनमेंट, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।